हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ क्लेमेजोन ऐप डेवलपमेंट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके। और इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट पार्ट में क्या किया था, ये यूआई क्रिएट किया था, और इस पार्ट में इस डाटा को स्टोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कॉमेंट करो। और गाइस देखो, जितने भी प्लेलिस्ट होंगे इस प्ले क्या कहते हैं इस सीरीज से रिलेटेड, सारे के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए, ऑल प्लेलिस्ट रिलेटेड टू सीरीज यहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे, और सोर्स कोड आपको इस क्या कहते हैं गिट रेपो पे मिल जाएगा। लेकिन जब कंप्लीट हो गया होगा सीरीज, आपको तब ये सोर्स कोड मिलेगा। अभी ये प्राइवेट है, और यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज फॉलो करें यार, मेरे सोशल जितने भी सोशल अकाउंट है सारे पे फॉलो करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, और डिस्कॉर्ड पे पोस्ट को देखो, डिस्कॉर्ड का लिंक वहाँ पे है। ओके, तो ज्वाइन करिए। चलिए अपने वीएस कोड में चलते हैं। और गाइस देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक कमांड चलाना होगा, पीवी टेबल बनाना होगा, मॉडल बनाना होगा, टेबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, और लास्ट में हाइफन हाइफन कीवर्ड पास कर देंगे ताकि वो क्रिएट हो जाए सिंपली। मैं चलता हूँ यहाँ पे मॉडल्स पे एंड कलर प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो डॉलर प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल निकल पड़ी दे, पहले डॉलर नहीं रहेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं टेबल का नाम लिखूंगा, हमने जो माइग्रेशन फाइल बनाया था कलर अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर साइज, इस नाम से बनाते। देखो क्या है कि यदि कोई कस्टम नाम देना होता है तो रूल से हटके तो हमें ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, राइट। उस तरह से इसके मॉडल के हिसाब से कलर अंडरस्कोर प्रोडक्ट होगा, लेकिन हमने तो कलर अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर साइज दिया है, हमें ऐसे करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, फंक्शन, सॉरी यार ये क्या आ रहा है, पब्लिक फंक्शन साइज, और ये होगा आपका बिलोंग्स टू, रिटर्न बिलोंग्स टू साइज। अब देखो मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट पे चलता हूँ, कॉस्ट चेक करते हैं। देखो हमें यहाँ पे भी रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ओनली कलर्स का रिलेशन डिफाइन करूंगा, पब्लिक फंक्शन कलर, और ये होगा कौन सा, बिलोंग्स टू मेनी, रिटर्न डॉलर दिस बिलोंग्स टू मेनी। यहाँ पे मैं क्या करूँ, कलर कॉलन कॉलन क्लास, और सेकंड पैरामीटर में पास कर दूंगा टेबल का नाम। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फटाफट, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ यूजिंग यूएसआई यूजिंग, और यहाँ पे हमने जो अभी मॉडल क्रिएट किया कलर प्रोडक्ट उसको ऐड कर देंगे, कॉलन कॉलन क्लास एंटर देन विथ पिवट। और इसमें हमें क्या चाहिए, साइज आईडी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए। यहाँ पर इसको सेव करूंगा, देखो दैट्स गुड, अभी तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, परफेक्ट। मैं चलता हूँ कंट्रोलर पे, मैं क्लोज करता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर, और मैं आता हूँ क्रिएट पे। देखो हमने पहले क्या किया था, वल्ली हमारा कैटेगरी था, अब हमें कलर एंड साइज को भी ऐड करना पड़ेगा। मैं डालूंगा डॉलर साइज इज इक्वल टू साइज फॉर ऑर्डर बाय नेम गेट, और यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, कोड फॉर्मेट कर लेता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पे कलर यहाँ पर डालता हूँ कलर, और यहाँ पे मैं तीनों को पास करता हूँ, ऑलरेडी एक पास है, साइज को भी पास करता हूँ, कलर को भी पास करता हूँ, दैट्स गुड। अब मैं क्या करूंगा गाइस, मैं स्टोर का भी फंक्शन लिखता हूँ ना, कि हमें तो स्टोर भी करना होगा, उससे पहले हमें वैलिडेट भी करना होगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे देखो पहले से जो उसको रहने देते हैं, एंटर करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ कलर आईडी, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड, और क्या होगा ए होगा, और मिनिमम एक वैल्यू होनी ही चाहिए एंड एग्जिस्ट होना चाहिए कलर टेबल में, कलर और आईडी, राइट। ये हमारा इसको मैं करूंगा डुप्लीकेट, लेकिन डुप्लीकेट करने से यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, डुप्लीकेट करूंगा, ये हो जाएगा साइज आईडी, ये हो जाएगा साइजेस, और ये हो जाएगा क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी यहाँ से कॉपी करता हूँ फटाफट, नहीं है कोई नहीं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा एरे होगा कि एग्जिस्ट नहीं होगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और इसमें से भी मैं डिलीट कर दूंगा,
और ये लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन राइट। इसको मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करके सेव कर लेता हूँ। ये हमारा वैलिडेशन हो गया। अब मैं चलता हूँ स्टोर पे फंक्शन से। स्टोर पे में क्या करना है, आगे जीरा स्टोर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, डॉलर प्रोडक्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट का क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हटा के मैं करूंगा रिक्वेस्ट स्पेस इनपुट ओनली, सॉरी स्पेस इन ओनली, और इसके अंदर मैं ये पास कर दूंगा एरे के अंदर कैटेगरी जो जो चाहिए हमें, अंडरस्कोर आईडी नेम एमआरपी एंड प्राइस। देखो इसको सिंगल कोट के अंदर मैंने ऐड नहीं किया है राइट। ये हमारा प्रोडक्ट है लेकिन इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर किया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉरिच का लूप चलाऊंगा, फॉरिच डॉलर, देखो डॉलर डॉलर का रिक्वेस्ट एरो कलर अंडरस्कोर आईडी एस की एंड वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट एरो कलर लाइक दिस अटैच लाइक दिस। यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूंगा, यहाँ से कलर आईडी ऐड हो जाएगा। कॉमा लगा के इस बार ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लास्ट में आता हूँ और एंटर करता हूँ और फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर डालूंगा साइज आईडी। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा, डॉलर रिक्वेस्ट एरो प्राइस अंडरस्कोर आईडी और ब्रैकेट के अंदर डॉलर की पास कर दूंगा, हो गया। थोड़ा और फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि अच्छा से दिखे, देखा सही दिख रहा है। मैंने इसको टू टाइम डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करूंगा एंड डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन राइट फॉर्मेट। अब जब जैसा है सब कुछ हो गया, यहाँ का काम चलो जी बढ़िया। अब चलते हैं फ्रंट एंड पे। ये यार क्या नाम है, किशोर्स व्यू डी पैनल प्रोडक्ट पी एडिट पे वर्क नहीं किया है तो वो क्या करना होगा, कुछ चेंजेस करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मैं यहाँ पे आऊंगा लेट कलर इक्वल टू एट द रेड जेसन, क्या है यार डॉलर कलर, सेम काम साइज के लिए भी हो गया। अब अगेन एक करूंगा लेट कलर ऑप्शन इक्वल टू दिस, मैं एक ऑप्शन कॉपी कर लेता हूँ कलर ऑप्शन राइट। अब मैं करूंगा लेट यहाँ पे फॉर इच लूप लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा या फॉर ऑफ कर लो एजीबीसी बहुत सारे लूप जावास्क्रिप्ट का ये फॉर। अब यहाँ पे लिंक कॉन्स क्या है यार, मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो लंबा हो रहा है। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर इच लूप लगाया है, फॉर लूप लगाया सॉरी फॉर इच कॉन्स कलर ऑफ कलर, उस तरह से मैंने ये जो कलर्स यहाँ पे हैं इसके अंदर मैंने प्लस कर दिया, जितना भी ये लूप घूमेगा उसके अंदर ये प्लस होता जाएगा। और यहाँ पे मैंने वैल्यू में कलर आईडी डाल दिया है, कलर डॉट नेम डाल दिया है। ऐसे लूप के अंदर मैंने सिंगल लाइन करने के लिए ब्रैकेट नहीं यूज किया है, यहाँ से ब्रैकेट हो जाएगा तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक समझ लो। और सेम काम मैंने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया है साइज के लिए, बस नेम चेंज किया, कलर ऑप्शन की जगह पे साइज ऑप्शन और कलर की जगह पे साइज, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया है। यहाँ पे साइज नेम के साथ मैंने साइज कोड भी लिख दिया है, बस डिफरेंस इतना ही है। और उन दोनों को मैंने जो कलर ऑप्शन है यहाँ पे ऐसे पास कर दिया है, इसने ऑलरेडी बैकटिक का यूज किया है तो मैं ऐसे पास कर सकता हूँ, और सेम काम मैंने साइज के लिए भी कर दिया राइट। अब मैं नीचे आता हूँ, मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, मैं स्केप कर लेता हूँ। और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं नीचे आया हूँ, देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने छोड़ा था जैसे कैटेगरी के लिए है वैसे ही मैंने कलर्स के लिए भी कर लिया, फॉर ईच कलर्स एज कलर एंड ऑप्शन मैंने पास कर दिया कलर आईडी एंड कलर नेम। और देखो मैंने चेंज, ये देखो दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो हेडिंग है ना मैंने चेंज कर दिया है प्रोडक्ट वेरिएंट डिटेल्स नाम से, यहाँ पे एज ये ऑप्शनल है
फिर मैंने क्या किया, सेम काम मैंने साइज के लिए भी किया है। साइज एज साइज ऑप्शन मैंने आईडी पास कर दिया है वैल्यू के अंदर, और एस प्रिंट एफ कर दिया है। यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखा है, ये आपकी मर्जी है कि आप दो बार ब्रैकेट लगाओ या फिर इस फॉर्मेट में लिखो, एज यू विश। मैंने साइज और नेम के लिए ये फॉर्मेट यूज किया है, राइट। देखो आप सिंपल ऐसे लिखोगे, फिर स्पेस देके और ब्रैकेट के अंदर आप कोड लिखोगे तब भी दिखेगा, या तो आप ऐसे यूज कर लो, फर्स्ट जगह पे ये प्लेस हो जाएगा, सेकंड जगह पे ये प्लेस हो जाएगा। और मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया है, बस इतना ही किया है, मैंने इस फाइल को सेव किया। चलो चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी कुछ नहीं आ रहा है ना, अभी आएगा। ठीक है, हमने सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया, बस यहाँ पे कलर एग्जिस्ट होने चाहिए। आई डोंट नो हम लोगों ने कलर ऐड किया कि, देखो ऐड किया है, साइज भी एक ऐड किया, राइट। अब मैं इस पे ऐड करूंगा तो नीचे भी आ रहा है, यानी मैं देखो यहाँ पे यस दिख रहा है ना, इसी की बात मैं कर रहा था। यहाँ पे कोड ब्रैकेट के अंदर तो कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, मैं रैंडम वैल्यू ऐड कर दिया यहाँ पे। देखो वैल्यू हमें एमआरपी और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, मैं इसको कम कर दूंगा, मैं 600 कर देता हूँ ताकि एरर ना दे। ये क्वांटिटी, मैं क्वांटिटी 20 कर देता हूँ, इसका क्वांटिटी 10 कर देता हूँ। ये सब तो दिख ही रहा आपको, चलो जी बढ़िया। अब मैं करता हूँ, देखो ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सेम चीज नहीं होनी चाहिए, तो मैं दो बार नहीं ऐड कर सकता। मैं एक और कलर या साइज एक ऐड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे डिफरेंस आए इन फ्यूचर में, ये हमें वैलिडेट करना पड़ेगा। ये चीज आपके ऊपर, आप कैसे वैलिडेट करते हो। मैं मीडियम एम कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। इन प्रोडक्ट एंड न्यू तो मैं तो वैल्यू मैंने किया ऐड, लेकिन देखो दो तीन हो गया तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ 1000 मीडियम है, तो इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको मैं 20 कर देता हूँ, राइट। अब मैं इसको करूंगा ऐड टू प्रोडक्ट, एरर नहीं देगा तो हमारा ऐड हो गया, परफेक्टली ऐड हो गया, कोई दिक्कत है नहीं आएगा। लेकिन देखो गाइस, अभी मैं देख नहीं सकता इसको, और जब हमें व्यू करना होगा ये काम हम लोड करने का क्या कहते हैं नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अभी हमने स्टोर किया, अभी हमें देखना भी तो होगा स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, इस काम को मैं करूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।